इमाम इस्माइल मुस्लिम का और ये मौलाना अली इस्लाम के नजर में से है। इनका हुक्मरानों के साथ और असकल्ले के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ मेन डोनर है। इन्होंने इस पोर्ट को रिस्टोर करने के लिए 80% डोनेशन की थी। इनका दादा परदादा और शजरे मोहम्मद रसा उनास में रखा हुआ है। आगा खान जो है वो एक टाइटल है, वो टाइटल 46 इमाम शाह हसन शाह को मिला था। ये ईरान में रहता था, ईरान का बादशाह फतह अली काजी ने टाइटल दी थी। इसका मतलब होता है बुजुर्गी। और ये टाटा चलते चलते ऊपर एक ही फैमिली ने तकरीबन 1000 साल हुकूमत की है 1974 तक। उनमें से कुछ के पिक्चर यहाँ पे है। इनसे पहले जितने भी हुक्मरान गुजरे उनका जियोलॉजी यहाँ पे है। ये है मीर गजन खान और मीर शाह गजन परवान। इन्होंने 1863 से लेकर 1886 हुकूमत की है। मीर सफदर खान का बेटा 1886 से लेकर 1891 हुकूमत की है। 1891 में यहाँ पर जब ब्रिटिश आते हुए चेना सिंह जान पर बात चला, फिर एक साल बाद ब्रिटिश ने जो छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान को पापा बिठाया। 1945 से लेकर 1974 तक में 1974 में पाकिस्तान में जब जुल्फिकार भुट्टो का उनका बेटा इनकी फैमिली हयात है और यहाँ उनसे में रहते हैं। तो ये समूह ने शादी भी आप ये लिबास पहनते थे और ये कुछ तलवारे हैं जो डिफेंस के इस्तेमाल करते थे। ये मुजर स्टेट का अपडेट था। तीर कमान का मतलब बहादुरी। ऊपर चांद तारा से इस्लाम जाहिर हुआ है। और ये जो है मार्को पोलो शीप, इसको लोकल जुबान नेक्स्ट रूम चलो आज उस जमाने में बड़े इस्तेमाल नहीं करते थे। नीचे पर्स भी सोते थे, गद्दे भी छाते और ये बाहर तक उछाने वाली मसनत की जाती है। ये ट्रेड एग्रीमेंट से तजारती मुआहदे हुंजा और चेना का पूरे इंडो पाक में ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी यूज करते थे। और बोलने के लिए हुंजा में 3 जबानें बोली जाती थी। अभी वो 3 जबानें बोली जाती है जो मादरे ने वाकई बोलते। यहाँ सेंट्रल हुंजा में मॉरिशस की बोलते, लोअर हुंजा में शिना जबान बोलते। तीनों बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस है। और ये ऊपर सिलिंग का डिजाइन जो है 1911 में कश्मीर से लेकर आए थे। थर्ड नंबर 1947 को हुंजा पाकिस्तान का बालकोनी की एडिशन और कलरफुल ग्लासेस की एडिशन जो है ब्रिटिश के दौर के हैं। 1930s के बाद यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। ये लास्ट ईयर की रिसीज थी और ये नगर वैली की थी 2006 में वफात होने के डेट में। वो लास्ट ईयर हुंजा और वो छोटा बच्चा मीर गजन बड़े खान। अब ये बच्चा हया थे और इनकी एज 70+ में है। बाकी ऊपर सारे जो है रॉयल फैमिली के मेम्बर्स के छत से मैंने आपको लिखा था और यहाँ से लिखे हैं कितना नीचे है वो। बेडरूम सेंट्रल पोर्शन हीटिंग और कुकिंग के लिए, वो स्लीपिंग पोर्शन है, ये डाइनिंग पोर्शन, ये दोनों स्टोर रूम्स ड्राई फ्रूट और ड्राई वेजिटेबल्स के लिए। और वो जो है तरह के झूले अपने बच्चों में यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। और ये बुक्स के अंदर कुरान मजीद के कलमी नुस्खे हैं, एक 18th सेंचुरी और एक 17th सेंचुरी का। छोटा सा गेट आगे घूप अंधेरा, ये देखें सब घूप अंधेरे में। और अब हम आ गए रोशनी में थोड़ा सा। और ये जो है म्यूजिकल हार्मोनियम यूज कर रहे थे, ये अमरो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अब भी गिलगित बल्तिस्तान में शादी। ये कारपेट जो है 200 साल से ज्यादा पुराना है, चेना से गिफ्ट इस्तेमाल कर रहे थे। थैंक यू। ये खोल सकते हैं? जी जी खोल। सज्जाद अली
जो कि हमें गाइड करेंगे किले के बारे में। हम इंटर हो रहे हैं किले के अंदर। थोड़ी बहुत रोशनी, थोड़ा अंधेरा। बहुत ही ऊंची हैं सीढ़ियाँ। टूर करने से पहले थोड़ा सा इस किले का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, फिर आगे रूम्स की तरफ जाएंगे। दोनों एरियाज जिसको बिल्कुल बलूचिस्तान कहते हैं, पुराने ज़माने में यहाँ पे छोटे छोटे रियासतें होते थे, उनमें से हमजत एक अलग रियासत थी। जितने भी हुक्मरान थे वो अपने डिफेंस और रेजिडेंस के लिए किले बनाते थे। हमजत को हुक्मरानों ने पहला आतिफ फोर्ट बनाए, फिर उसके बाद ये बल्तित फोर्ट। आतिफ फोर्ट जो है वो लोकल्स के मुताबिक 1000 साल से ज़्यादा पुराना है, और ये बल्तित फोर्ट जो है 800 साल होने वाला है। 1990 में इस किले की कार्बन डेटिंग टेस्ट हुई थी, उसके मुताबिक 763 साल निकला था, और 1990 से लेकर अब तक मिला तो तकरीबन 800 साल होता है। और ये पूरा बिल्डिंग जो है एक ही टाइम में नहीं बनाया है, ये 800 साल में जितने हुक्मरान गुजरे अपने दौर के मुताबिक रूम्स के एडिशन करते गए और चेंजिंग करते गए हैं। ये किला 1945 तक रॉयल फैमिली का रेजिडेंस रहा है, फिर 1945 में यहाँ से शिफ्ट हुए थे। उनका न्यू पैलेस आपको किले के छत से नजर आ जाएगा। तो 1945 से लेकर 1990 तक तकरीबन 45 साल तक ये किला खाली रहा। इसकी मुमकिन देखभाल होने की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुका था, दीवारें प्लास्टर्स गिर चुकी, और आगा खान प्लस फॉर कल्चर एंड स्पोर्ट्स रेनोवेशन की मुकम्मल रेनोवेशन करने में 6 साल लगा। 6 साल के बाद दोबारा इसकी ओपनिंग हुई, और फिर 29 सितंबर 1996 में हुई, और उस सब में कोटन कनेक्ट प्रिंस करीम आगा खान, फारूक अहमद खान लगाली और दूसरे भी शुमारी का मेजर्स आए। इस फोर्ट को रिस्टोर करने के लिए 8% डोनेशन डिजाइनर्स प्रेस के माहौल में, बाकी 20% डोनेशन USA नाविजन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट की, और यहाँ का लोकल डोनेशन की जो रूम्स का डिस्प्ले। अब इस किले का कोई मेन ओनर या मेन डोनर तो नहीं है, हम जो विजिटर सर्टिफिकेट के फीस लेते हैं वो इस फोर्ट के जरूर है, और ये टैक्स कलेक्टिंग एरिया भी था। यहाँ के मुकामी लोगों से रॉयल फैमिली सालाना गंदम अनाज की शक्ल में मालिया टैक्स लेते थे, और ये रग्स के नीचे स्टोरेजेज थी वहाँ पे इस साइड पे, और यहाँ सेंटर में एक इस तरह के स्टोरेजेज है। ये एक स्टोर जो है 9 फीट डीप 6x6 square feet है। अंदर से गंदम निकालने का दूसरा रास्ता नहीं है, छोटे बच्चे या पतले बंदे के जरिए से यहीं से निकालते हैं। तो निकले इस्तेमाल करते थे वो पत्थर के हांडी है, और ये घोड़े का जीन हॉर्स रन, ये तीर कमान हमजा का फर्स्ट वेपन्स, हंटिंग और डिफेंस के तीर कमान का इस्तेमाल करते थे। तो इस किले के अंदर कोई जंग वगैरह हुई, मतलब उससे बचने का कोई ऐसा हुआ? यहां पे ऐसी कोई जंग नहीं हुई है आज तक, इस किले को किसी ने कैप्चर नहीं किया है। ठीक, तो ये बना हुआ है, ये शुरू से ऐसा ही बना हुआ था सीढ़ियां, मतलब इसके ये बिल्डिंग बाद में क्या हुआ? ये तो बाद में रिलेटेड नहीं है ना। तो ये उस जमाने का डेंजन था जिंदगी के जरिए से निचला, और ये कैदियों का जिंदान होता था। ये टेम्पररी होता था, हफ्ता 10 दिन के लिए, फिर फैसला करते थे, फैसला होने के बाद या उनको बिलावतन करते थे या उनको गुलाम की शक्ल में फ्रॉड करते थे। उस जमाने में क्राइम बहुत कम होती थी, अभी हुजा का क्राइम रेशो ऑलमोस्ट जीरो होता है। और ये सिक्योरिटी रूम है, सिक्योरिटी रूम्स जो है ना आगे तक ये 16 है। नहीं नहीं जाने थे, वो आ जाएंगे। इसको डर लगता है नीचे ना देखे। और ये देखिए नीचे इनका बना हुआ है, ये पहले पता था फिर नीचे, और ये सामने बड़ा ही खौफनाक है ये। यहाँ पे बैठ के ये छोटे विंडोज के जरिए से बाहर पूरे एरिया पर नजर रखते थे। ठीक हो। और ये जो है ना यहाँ की रिवायती ड्रेस है, उस जमाने के लोग इस तरह के ड्रेस पहनते थे। वो दोनों मेल ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, ये फीमेल ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये ड्रेस जो है शादी ब्याह पे पहनते थे। ये बनाए गए हैं, अभी बनाए गए, उस टाइम की बने? ये लोगों ने डोनेट किया हुआ सर। अच्छा, उन लोगों ने डोनेट किया, ब्रिटिश आदमी ने डोनेट किया था। ये 13th century का वर्ल्ड मैप है लैटिन लैंग्वेज में, वो 1550 का वर्ल्ड मैप है फ्रेंच लैंग्वेज में, लास्ट वन जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन मैप है 19th century का इंग्लिश लैंग्वेज। और यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, गेट इतना छोटा है, सर झुका के आपको जाना है यहाँ से। कोई मेरा जुड़ा प्लानिंग हॉल होता था उस जमाने का, पार्लियामेंट हाउस, खुफिया प्लानिंग करनी हो या कोई खुफिया मीटिंग हो यहाँ पे करते थे।
और हुंजा का ट्रेडिशनल घर भी इस तरह होता था, सेंटर पोर्शन, हीटिंग, कुकिंग, डाइनिंग पोर्शन, ये दोनों जो है स्लीपिंग पोर्शन होते थे। रोशनी के लिए जमाने में लाइट नहीं होती थी, रात को दिए और चिराग जलाते थे, दिन के टाइम बीच का सेंटर पोर्शन ओपन था, यहाँ रोशनी आती थी। अब ये बन गया क्योंकि ऊपर से गुजरते और एक अंश से बना हुआ है, वहां पे तंदू टाइप का होल बना हुआ है, ये तिजोरी था, खजाना वहां नीचे रखते थे। अच्छा, तो ये ये इनका तिजोरी थी, यहाँ पे अपना खजाना वगैरह सब रखते थे हॉल के जरिए से। देखिए गेट इतने छोटे हैं यहाँ के, तो था शाही बुआ का खाना, यहाँ पे खाना बनाते थे। और ये कुछ पुराने बर्तन हैं, मेटल जो है तकरीबन 19वीं सेंचुरी के बाद यहाँ पे यूज हुआ है, इससे पहले पत्थर और लकड़ी के बर्तन। ये तीनों पत्थर जो है ना, ये गन्नू और पीसने के इस्तेमाल होते हैं ग्राइंडर्स के तौर पे। ये तवा है और ये भी पत्थर का है, ये लकड़ी के चमचे हैं। ये जो रखे पंपकिन्स के शेल्स है, कद्दू के शेल्स, इनमें पानी स्टोर करते थे और कॉनमिक प्लेटा का बर्तन, उसमें लस्सी बनाते थे। उसके साथ एक बकरे की खाल है, उसमें भी लस्सी बनाते थे। इधर भी बकरे की खाल है, ये आपको हवा देने के इस्तेमाल होते फूकने के तौर पर। रोशनी के लिए इस तरह बंद था। और इस किले का सबसे ओल्डेस्ट फेस 800 साल पुराना ये छत है, लकड़ी के ऊपर देखना ब्लैक कलर का लेयर बन गया स्मोक की वजह से। इसे ये बर्तन है मट्टी के, मूवीज वगैरह में ऐसे सीन देखते हैं ना, तो दिल से शौक उठता काश हम इस दौर में। ये हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी कि छत की तरफ, किले की, किले की छत पर। क्या दरबार लगता था, लोगों के मसाइल सुनना, लोगों के मसाइल हल करना, फैसले यहाँ बैठे करते थे। रॉयल क्वीन है, मीर और हमजा यहाँ पे बैठता था, बाकी लोग जो है ना नीचे छत पे बैठते थे। जी जी, 1945 में ये किला छोड़कर शिफ्ट हो गए। ये यहाँ पे चार टावर्स है ना, कम्युनिकेशन टावर्स। लास्ट टावर के बैक से बैठिए, एक एक बिल्डिंग है, वाइट विंडो पट्टी है। जी 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 बिल्कुल, उनके पिक्चर्स आपको नेक्स्ट शो में दिखाएंगे। उधर जा नहीं सकते, उनका रेजिडेंस है मैम, वहाँ रहते हैं ना, अभी भी हैं, अभी भी रहते हैं जी। और अब हम सतह समंदर से 8000 फीट लंबी पे हैं, तकरीबन 2500 मीटर पे। यहाँ है, इस डायरेक्शन में दीरान पीक है, इस डायरेक्शन में गोल्डन पीक है, यहाँ पे उल्टर वन एंड उल्टर टू थोड़ा सा दिखाई देता है। इस पहाड़ के पीछे लेडी फिंगर भी है, फिंगर मतलब एक पहाड़ का नाम। अच्छा, पहाड़ का। तो ये टॉप में जो बिल्डिंग है ना, वहाँ एक होटल का नाम ईगल है, आपको एरिए का नाम ईगल है, वहाँ से ये पहाड़ आपको नजर आ जाएंगे। और सेंटर वाला मारखोर है, ये मारखोर है, ये देखिए इसका तो। और ये लास्ट में ये भी आईबेक्स है। अच्छी आईबेक्स क्या चीज होती है? ये पहाड़ी बकरा। अच्छा, बकरा है, पहाड़ी बकरा। मारखोर को मारखोर अलग है, आईबेक्स जॉग कहते हैं ना आईबेक्स को। नहीं, जॉग दूसरा है। जो है हम एग्जैक्ट जाएंगे बाहर की तरफ, यहाँ देखें ऊपर का भी रास्ता है, ये आगे से बंद किया हुआ है, लेकिन हमें जो है नीचे जाना है। इंटर्स और एग्जैक्ट इनके अलग अलग हैं, वहाँ से हम इंटर हुए थे और यहाँ से जो है हम बाहर की तरफ जाएंगे, किले से बाहर। और ये हम किले से बाहर आ गए, खतरों का किला। मलिक आगे सेट है, और ये देखें ये कितना खूबसूरत है। और वो देखें वहां पर इस तरह की सीढ़ियां बनी हुई हैं किले के बाहर नीचे उतरने के लिए। और वो देखें सामने का हसीन मंजर। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत, वो सामने से जो है रास्ता है किले का, मतलब यहाँ से ये किले का गेट है जो कि अभी मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ से ये लोग निकलते होंगे और वहाँ जो सामने एक रूट जा रहा है उस रूट पर वो जाते होंगे। यहाँ पर देखें और बर्फ और पहाड़ बिल्कुल करीब करीब हमारे। यहाँ से अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, इंट्रस और एग्जैक्ट इनके अलग अलग। यहाँ से हम जाएंगे नीचे
और मैं फिसलने लगी थी यहाँ पर। हाँ वो देखें कितना नीचे है ये, हम समंदर से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, सतह समंदर से। तो ये था हमारा बिल्तित फोर्ट हुंजा का, जो कि अपने अख्तिताम को पहुंचा। लास्ट बस अब वो नीचे जाऊंगी और मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग हुंजा में, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बिल्तित फोर्ट ज़रूर आप लोग आएँ, बहुत ही खूबसूरत है। हम फिल्मों में देखा करते थे कि जंगें किस तरह होती हैं और उनके जो किले हैं वो कैसे बने होते थे, और आज अपनी आंखों से देख के यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत ही पुरसकून यहाँ की जगह है और बहुत ही पुरसकून, और सबसे बड़ी बात यहाँ कि यहाँ के लोग जो है बहुत ही अच्छे हैं, उनका लहजा, उनका बात करने का अंदाज सब बहुत अच्छा है। गेट है किले का, पीछे का व्यू ब्लर था लेकिन आ रहा और तो अच्छा सा गया फोर्ट देख के। और किला देखें कितना ऊंचा है ये, ये देखें ये इनके उस टाइम के छोटे छोटे थे घर, अभी क्यों मॉडर्न है वो। और ये इनके रूट और ये किले को हम अपने पीछे छोड़ कर आ गए। इंस्ट्रक्शन और ये हैं हुंजा की। तो क्या नाम उसका, चलो हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, वो आ रहे हैं ना। और अब हवा हो गई बहुत ठंडी और तेज नीचे उतरते वक्त। और हम आ गए हैं किले से बाहर, और ये देखिए किला कितना ऊंचाई पर था। तो ये यहाँ पे हम एंड करते हैं, मैंने कहा करो। और ये इसके बाहर का व्यू, किले के बाहर का। और ये है मेरा आज का व्लॉग।